ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਛਨਕਾਟਾ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मैं इस मौके पर जो कि संयुक्त मोर्चे की कॉल सी आवाम ये समझाई दे जो सेंटर सरकार ने डीजल पेट्रोल ते गैस की कीमत इतों तक बढ़ा दी ने कि आवाम वास्ते एक आम नागरिक वास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। जिहड़ा मुश्किल हो गया कोई गड्डी में पेट्रोल या डीजल आने वास्ते बहुत दूर की गल है। घर रसोई वास्ते जो गैस दी कीमतां इन्नियां वध चुकियां ने एक रोटी पकनी बड़ी मुश्किल हो गई है, जिस करके मजबूरन ये कोई शौक नहीं है ये गर्मी में ट्रैक्टर लाने या मोटरसाइकिल लाने या लोग बैठे ने शौक नहीं पूरे रहे ये मजबूरी के कारण बैठे ने कि इन्नी महंगाई वध गई आ एक आम इंसान वास्ते रोटी खानी मुश्किल हो गई। जो कि सरकारां जिहड़ियां ने इन्होंने अपना जो सिस्टम है सही करना हुंदा, सिस्टम जो जो करप्ट हो चुका आ वो सरकारां सोचण भी ये महंगाई किदां कंट्रोल करना है। इस करके सारा जिहड़ा आवाम यह अज रोज प्रदर्शन कर रहा कि पेट्रोल डीजल ते गैस दी कीमत घटाइया जाण। बाकी तीन आर्डीनेंस जो कानून लागू किए ने वो भी रोटी का मसला रोटी खाने वास्ते किए ने, हर इंसान रोटी खानी आप ही सर रोटी खा रहे हो रोटी का सारा मसला है कानून वापस ले जाण ते जो एम एफ सी है वो कानून लागू किया जाए। आम जनता की कहना चाहते आम जनता की कहना चाहते आम जनता साढ़े नाल है जी, तुम देख ही रहे हो हर गड्डी थोड़े इतने रोड से लग चुकी है मोटरसाइकिल लग चुके ने सारी जनता साढ़े नाल है। ये सेंटर सरकार के विरोध सारी खड़ी हुई है उन्ना चर खड़ी रहूगी जिन्ना चर आर्डीनेंस ये तीन कानून वापस नहीं ले जाते। एम एस पी एक कानून नहीं बनाया जाता यह पेट्रोल डीजल तो गैस कीमत जीडिया नहीं घटाइया जाए उन्ना चर इस तरह यह इकट्ठ होंगे रहने विरोध हों रहेगा उन्ना चर जिन्ना चर सरकार इतों हिल नहीं जाती। 2022 देखो जी जो संयुक्त मोर्चा चलता जो 2022 की इलेक्शन की गल करते हैं ना सी ख्याल ना ख्याल बनना है। बाकी 2022 जो पोलिटिकल पार्टियां खड़िया ने यह सवाल थोड़ा उन्होंने उन्होंने पूछ सकते हैं। बत्ती किसान जथेबंदियों के सदे से जिदा 2 घंटे अज रोड जिदा सिलेंडर जो भी मशीनरी आ स्कूटर मोटरसाइकिल गड्डिया सारिया सड़क से लाने का किया प्रबंध असी ट्रैफिक नहीं रुकेंगे असी सिर्फ गवर्नमेंट को दसना चाहते हैं दसण ये गड्डिया चलनगिया नहीं जिदा तेल आए दिन वधी तेल दी कीमत वधी जांदियां आ डीजल आ बहार हो जाता। मैनू याद है कि जो मनमोहन सिंह के टाइम से कुछ पैसे वध्या सिमरती ईरानी होनी बंगा लैके गए थे मनमोहन सिंह ने भी कुछ शर्म करो हूँ इन्होंने शर्म लाई आए दिन रोज़ डीजल की कीमत तकरीबन पेट्रोल दी कीमत सिलेंडर गैस आ ये गरीबों की पहुँच तो बहर हो जाते असी ये जदोजहद कर रहे हैं। असी जो 22 की तुम गल करते हैं भी 22 को असी वोटों के हिस्सा नहीं लवेंगे साडा जो संयुक्त मोर्चा आ असी तो सिर्फ ये कहने भी जिहड़ा भी चंगा आ कोई भी पार्टी आ जिहड़ी कोई चंगा बंदा आनू वोटा पाओ ठीक है जरूरी नहीं असी किसी पार्टी की हमायत नहीं करते असी चंगे बंद हमायत करते हैं भाई चंगा प्रशासन हो विरोधी धर भी चंकी हो कम हो असी तो यही साढ़े किसान जो संयुक्त मोर्चे वालों असी यह सुनेहा दें बाकी अज्ज असी 2 घंटे
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਬਸ ਉਤੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਿੱਖਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟਰੱਕ ਪਕਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂਰ ਮਿਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ, ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।